तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा दूं, इनके पास देख सकते हैं आप तमाम जो बकरियां हैं ये इन्हीं की बकरियां हैं। बात भी करेंगे, इनके पास बड़े थन वाली गाभिन बकरियां हैं, ज़्यादा दूध वाली बीटल किस्म की। अपने जानवर बेचने के लिए 88-726-01-726 पर वीडियो व्हाट्सएप करें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की पूरी वीडियो देखें। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं बठिंडा के गांव गोविंदपुरा में, जहां किसान बकरी पालक करनैल सिंह, जो कि काफ़ी लंबे समय से बकरी पालन का काम कर रहे हैं, उनके पास पहुँचे हैं। तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा दूँ, इनके पास देख सकते हैं आप तमाम जो बकरियाँ हैं ये इन्हीं की बकरियाँ हैं। बात भी करेंगे, इनके पास बड़े थन वाली गाभिन बकरियां हैं, ज़्यादा दूध वाली बीटल किस्म की। तो करनैल सिंह हमारे साथ मौजूद है। करनैल जी, थोड़ा सा बताओ कौन कौन सी बकरियां आपके पास बिकाऊ है, कौन कौन सी नस्ल है? हाँ जी, बीटल बकरी यहाँ 25,000 दिया जी। आओ आओ, कोले चल के दिखाओ किसान भाइयों को, ताकि उनको समझ आ सके प्रॉपर। हाँ, इस बकरी के बारे में बताओ क्या कुछ है? 25,000 आई है। अच्छा, कौन सी किस्म है? ये बीटल नस्ल है जी। तो नस्ल की थोड़ी सी पहचान बता दो, क्या होती है? ये यहाँ सिंग मुड़मे होंगे पिछे जी, नाक गुंडा होंगे, कान लम्बे हैं, अख बिली होंगी है चिट्टी। अच्छा, एक गाबिन है या फिर वो है अपनी? एक गबन है जी, 2 महीने की। तो मैं एक बार किसान भाइयों को नज़दीक से इस बकरी की क्वालिटी दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कान भी ठीक है इसके, और सींग है जो वो पीछे को मुड़े हुए हैं, नाक इसका, नाक भी इसका थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। और थाना आपको एक बार मैं दिखा दूं पीछे से, बकरी ने मार दिया। तो इसकी कीमत है जो 25,000 है। अच्छा, कम ज़्यादा हो जाएगी करनैल जी के? फिक्स है ये रेट? कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा अगर मौके पे अगर कोई लेगा तो? पूरा फिक्स है? हाँ जी पूरा। अच्छा, तो इसके बारे में बताओ, ये भी देख रहे हैं हम जो एक ये थोड़ी सी बकरी है जो, इसकी कितनी कीमत है जी? 20,000 कीमत है जी। और क्या कुछ है इसके साथ? गाबिन है या जी? नहीं जी, सुई है, बच्चे है दो। बच्चे कहाँ पर है? बच्चे करे है जी। अच्छा, छोटे थोड़ी देनी हुआ सुई। तो एक बार मैं इसकी भी क्वालिटी जरूर आपको दिखाऊँ नज़दीक से। कान आप देख सकते हैं, अरे तो थन इसके दिखा दूँ मैं आपको, थन भी अच्छे हैं, कैप्सूल के जैसे थन है। और ये 2 बच्चे दे रखे हैं इसने। दोनों बकरा बकरी है या कैसे? मतलब बकरा बकरी है जी। तो ये 20,000 रुपये की इसकी कीमत है। और दूसरी एक और दिखा दो, जैसे ये हम देख रहे हैं ये वाली दिखा दो, ये क्या कुछ है, कितने की कीमत होगी इसकी? तो और दूसरी मैं आपको दिखा दूँ एक और, हमारे पीछे एक चमकदार बकरी खड़ी है, तो ये देख सकते हैं आप, इसके बारे में बताओ क्या कुछ है करना है जी? इसका ये 15,000 है। हाँ, ये गाबिन है कि क्या है? नहीं, ये तो है, ये फंडरी है। अच्छा, तो ये गाबिन नहीं है जी, ये फंडर है। मतलब इसने अभी तक, मतलब अभी तक ये कवारी है, बनी नहीं है। तो आपको एक बार नज़दीक से दिखा दूं मैं इसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है। कान इसके लंबे हैं और नाक इसका गोल है, सींग भी पीछे को ठीक है, और थन भी मैं एक बार आपको नज़दीक से ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं थन है जो वो भी अच्छे हैं, अलग अलग कैप्सूल के जैसे थन है, और कद भी काफ़ी अच्छा, चमकदार बकरी है। तो इसकी 15,000 रुपये कीमत बताई है, तो काफ़ी कम कीमत है। इतनी कम कीमत क्यों रखी है आपने? इसकी कीमत जी, ये प्योर नस्ल है जी, बिछड़ा। हाँ जी। अच्छा, एक और ये जो शेरी बकरी है ये दिख रही है जो, इसका 40,000 जी। ये क्या कुछ है बताओ थोड़ा? इधर ये बच्चे दो है मगर। बकरी बकरा है? बकरी बकरे है मगर। अच्छा, तो इसकी भी क्वालिटी मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हैं आप, लंबे चौड़े कान है और सींग पीछे को मुड़े हुए, नाक इसका भी गोल है, और इसके साथ 2 बच्चे हैं। तो थन भी एक बार मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, आप देख सकते हैं थन भी अच्छे हैं इसके। और इसकी कीमत है जो 40,000 रुपये, क्योंकि इसके साथ है जो 2 बच्चे इसके साथ हैं। तो काफ़ी माल है जो इनके पास बिकाऊ है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए हम 2-3 बकरियां कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, मगर जो किसान भाई है वो लगातार नीचे कमेंट करते हैं कि छोटा वीडियो बनाया करो, ताकि उनका ज़्यादा सामान ना वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सामान दिख जाए। इसलिए
ये छोटा वीडियो बना रहे हैं हम, अगली वीडियो में और सामान दिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हो, जहाँ कोई सूचना देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।